हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज मैं न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। तो वी हैव न्यू चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों, जैसा कि इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। लाइक हम जानते हैं y is a function of x, इसका क्या मतलब होता है? Suppose function of x, मान लो मैंने x की कुछ terms ले ली, like this x square plus 1, तो this is function of x। कुछ और example, x cube, this is a function of x। तो बच्चों, जिसमें x independent variable होता है, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि x जो है इंडिपेंडेंटली कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही है। लाइक इस एग्जांपल में देखिए, x को अगर 1 पुट करोगे, इंडिपेंडेंटली कुछ भी पुट कर दो, y 1 क्यूब आ गया, 2 पुट करोगे 2 क्यूब आ गया, एंड सो ऑन। तो y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। तो बच्चों, वो इक्वेशन इन विच इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कॉफिशियंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और साथ में डिफरेंशियल कॉफिशियंट, जिसे आप डेरिवेटिव बोलते हो, dy/dx, जहां कोई भी डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, dx/dy, जहां dx/dt अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो वो इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, कुछ भी, तो वो इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ये इक्वेशन दी, d square y over dx square 5 dy by dx plus 7 y equal to x। देखिए, ऐसी इक्वेशंस जिसमें x, y, dy by dx, डबल डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अलोंग विद इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दिस इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x, y, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो जिसका डेरिवेटिव होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके विद रिस्पेक्ट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई और एग्जांपल, जैसे मान लो dqy dx cube होल स्क्वायर 5 dy/dx equal to 7y d2y over dx square। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फाइन, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y और x, क्योंकि डेरिवेटिव y का हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। कोई और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो यहां पे d स्क्वायर s / dt स्क्वायर 7 dt/ds इक्वल टू 5s + t स्क्वायर। सपोज कर लो ये इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव s का हो रहा है with respect to t, तो s dependent variable है, s dependent variable है, with respect to t हो रहा है, तो t independent variable है, तो इस equation में derivatives involve हो रहे हैं dependent variable के with respect to independent variable, so it is called differential equation। तो बच्चों याद रखिए, differential equation वो equation होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और साथ में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो नोट, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स. क्या मतलब है इसका? हाँ जी, तो बच्चों पॉलिनोमियल की बात करते हैं. पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं? ए नॉट एक्स की एन, ए वन एक्स की एन माइनस वन, ए टू एक्स की एन माइनस टू, सोन ऐसे चलते हैं. ए नॉट, ए वन, ए टू, ये कॉन्स्टेंट्स हैं. ये एक्स की पावर, फिर पावर्स कम हो गई है, लास्ट में पावर एक्स की खत्म हो जाती है, लाइक दिस. तो ये पॉलिनोमियल है एक्स में, जिसमें जो पावर्स ऑफ एक्स है, छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, पावर्स ऑफ एक्स है जो, वो क्या होते हैं? हाँ जी बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स. जो पावर्स होती है नॉट इन फ्रैक्शन एंड नॉट इन नेगेटिव इंटीजर्स. तो बच्चों इन द सेम वे जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लाइक डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हाँ जी, पावर पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होगी 5, डी वाई बाई डी एक्स इसकी पावर 3, कुछ भी 7 वाई एक्स. तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है. और इसमें एक चीज नोट रखो, जो पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, नॉट इन फ्रैक्शन. दिस इक्वेशन इज पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव. पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव मतलब पहले कॉन्स्टेंट है, फिर एक्स की पावर कोई नंबर, नेचुरल नंबर. इन द सेम यहां पे ये कॉन्स्टेंट्स, ये डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो पावर्स है वो नेचुरल नंबर्स है, और कोई भी पावर नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ना तो फ्रैक्शन में है. आई होप क्लियर है सबको. तो अगर तो फ्रैक्शन में मिलती है, अगर आप रिमूव कर सकते हो तो उसको कर दीजिए, अगर नहीं हो रही तो वो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में नहीं है. आई होप क्लियर है सबको. बाकी आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 वाई इक्वल टू एक्स. मान लो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव नजर आ रहा है? तो बच्चों इस इक्वेशन में मैक्सिमम 2 टाइम्स डेरिवेटिव नजर आ रहा है. इस इक्वेशन को आपने देखा कि 2 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया हुआ है इस इक्वेशन में. ये डबल डेरिवेटिव का साइन है, ये सिंगल डेरिवेटिव का साइन है. तो इस डेरिवेटिव, इस इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है. तो इसका मतलब हम नई टर्म सीख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? इट इज द हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. इस एग्जांपल में ऑर्डर कितना है? 2, क्योंकि इस इक्वेशन को मैक्सिमम 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया है, तभी ये इक्वेशन बनी है. डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है. तो नेक्स्ट वी हैव डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर कितना है? ये ऑर्डर है. इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है. तो डिग्री हमेशा ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को बोलते हैं. इस एग्जांपल में डिग्री 1 है. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 9.1 के. तो बच्चों काफी आसान है, कुछ एग्जांपल्स समझाते हैं आपको, जिससे क्लियर हो जाएगा ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1. तो क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग. पहले 10 सम्स हैं, तो इसमें ऑर्डर और डिग्री बनाना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन,
given differential equation is d4y plus dx4 plus sine y triple dash equals to 0. तो बच्चों ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें y ट्रिपल डैश का मतलब है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू. तो वाई डैश को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है. तो y डबल डैश इसको ऐसे लिखा जाता है, डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है. तो बच्चों इस इक्वेशन का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया होगा, तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 नजर आ रहा है. ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 4. तो ऑर्डर जो है वो बताता है कि इस इक्वेशन को मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, वो हर वक्त डिफाइंड होता है. लेकिन डिग्री जैसा कि हमने बताया ऑर्डर की हाईएस्ट पावर होती है, तो आपको लग रहा है कि ऑर्डर तो 4 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है. लेकिन डिग्री इस क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड है. रीजन, अगर ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोट सीकेंट एंड कोसीकेंट दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, जो थीटा होता है कभी भी डेरिवेटिव्स में नहीं होता. तो साइन ऑफ थीटा, साइन एक्स पड़ा है, साइन वाई पड़ा है, साइन थीटा, लेकिन साइन में ट्रिग्नोमेट्री में कोस में कभी भी एंगल जो है डेरिवेटिव में नहीं होना चाहिए. तो ये सेंसलेस है. अगर ये मीनिंगलेस है तो डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है. इनफैक्ट ऑर्डर हर इक्वेशन का मिलेगा, ऑर्डर बताता है कि इस इक्वेशन को कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, लेकिन डिग्री तभी पता लगती है अगर ये इक्वेशन पॉलिनोमियल हो डेरिवेटिव्स में. ये पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव्स में. रीजन, ये जो नंबर है ये आपका मीनिंगलेस नंबर है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो बच्चों कभी भी डेरिवेटिव्स में नहीं होता. अगर होगा तो हम डिग्री उसकी डिफाइन नहीं कर सकते. आई होप क्लियर सबको. देखिए कुछ और एग्जांपल्स है, आगे रिव्यू करते हैं. 9.1 ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में पूछा जाएगा. सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इजी. मैं थर्ड को लाता हूं. देखिए ds / dt होल पावर 4 3s d स्क्वायर s / dt स्क्वायर इक्वल टू 0. तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, डिपेंडेंट वेरिएबल s है, क्योंकि s का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी. ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो बच्चों इस इक्वेशन में ऑर्डर 2 है. व्हाई 2? बिकॉज इस इक्वेशन को हाईएस्ट 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर होता है. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? डी स्क्वायर. डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर मीन सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है. तो अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो इसका मतलब ऑर्डर इज 2. तो डिग्री जो है इट इज 1, डिग्री 4 नहीं है, क्योंकि डिग्री जो होती है ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को बोलते हैं. तो ऑर्डर में आपने जाना है उसकी हाईएस्ट पावर जो भी होगी दैट इज डिग्री. तो डिग्री 4 नहीं है, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी सम्स. क्वेश्चन 4 देखिए, ये इक्वेशन गिवन है कोस, ट्रिग्नोमेट्री में फिर से एंगल में डेरिवेटिव आ गया, तो ऑर्डर को मिलेगा, ऑर्डर कितना है 2 टाइम्स. इस इक्वेशन को मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया तभी ये इक्वेशन बनी होगी 2, ऑर्डर इज 2. अगेन डिग्री नॉट डिफाइंड. रीजन, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में एंगल में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए. डिग्री 2 नहीं है, ऑर्डर 2 है. ऑर्डर मैक्सिमम इस इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर नजर आ रहा है, 2 बार डेरिवेटिव किया है, तो ऑर्डर इज 2. डिग्री तभी डिफाइंड होगी अगर ये इक्वेशन पॉलिनोमियल होगी डेरिवेटिव्स में. तो ये टर्म मीनिंगलेस है,
क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल में डेरिवेटिव नहीं होता, तो हम डिग्री तभी पाएंगे अगर ये इक्वेशन डिफाइन हो। आई होप क्लियर सबको। तो वैसे आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों एक और करवा देते हैं आपको, सिक्स देखिए, वाई ट्रिपल डैश होल स्क्वायर वाई डबल डैश होल क्यूब प्लस वाई डैश होल पावर फोर प्लस वाई फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये डी क्यूब वाई, इसको ऐसे लिखते ना ट्रिपल डेरिवेटिव होल स्क्वायर, तो यहां पे इसको लिखेंगे डबल डेरिवेटिव, मान लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो यहां पे ऐसे लिख लो इसको आप डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज द ऑर्डर हाईएस्ट, इस इक्वेशन को कितनी बार डेरिवेटिव दिया गया है, थ्री टाइम्स, और डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर थ्री है ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर टू है, डिग्री थ्री नहीं है क्योंकि हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव दिया, थ्री बार, ऑर्डर में पहुंचना है और उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलना है। तो बच्चों आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करेंगे वेरी इजी, वन मार्क श्योर है। तो एक्सरसाइज 9.2 उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन हम छोटी क्लासेस में करके आए हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, प्रूव दैट वेरीफाई दैट वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू जीरो। तो प्रूव करो कि y इक्वल टू e की पावर x प्लस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद करेंगे, अगर छोटी क्लासेस की बात करें, हमने ऐसी इक्वेशंस पढ़ी हैं जिसमें अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर अगर 0 आ गया तो फिर हम बोलते हैं 2 इज द रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4। इन द सेम वे अगर इस वैल्यू y की इस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो प्रूव हो गया कि y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बच्चों शो दैट y इक्वल टू दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर हम प्रूव कर दें कि y की वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो प्रूव हो गया कि y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपने सिंपली y को लिखना है, इसका दो बार डेरिवेटिव करना है क्योंकि क्वेश्चन में दो बार डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव e की x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं, e की पावर x का e की x होता है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, देखिए y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश, तो y डबल डैश का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डैश का मतलब क्या है, सिंगल डेरिवेटिव। तो y डबल डैश कितना है, e की x, y सिंगल डैश कितना है, यानी बच्चों e की x, कट गए, इट इज 0 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी वेरी इजी सम। तो हमने प्रूव किया कि ये इसका सॉल्यूशन है, कैसे किया, अगर ये वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो सॉल्यूशन है। तो पहले हमने देखा इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, तो हमने इसको एक बार डेरिवेटिव किया वाई डैश लिया, दो बार डेरिवेटिव किया वाई डबल डैश लिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की, अगर राइट हैंड साइड इक्वल आया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है ये वाले, देखिए सेकेंड थर्ड सेम है, मैं फोर्थ करवा रहा हूं, सेकेंड थर्ड आपके लिए, प्रूव दैट y इक्वल टू cos x प्लस c इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस sin x इक्वल टू जीरो।
तो बच्चों वाई गिवन है, हमें वाई डैश चाहिए, तो वाई डैश मीन डी वाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्यों किया? क्योंकि इधर एक्स की टर्म्स है, तो कोज एक्स का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो वी है वाई डैश इक्वल टू माइनस साइन एक्स. टू प्रूव दैट फॉर दिस वैल्यू ऑफ वाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाई डैश की वैल्यू पुट कर दो, इट इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव. प्रूव हो गया कि वाई इक्वल टू कोज एक्स प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो. देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन फोर, फिफ्थ आपके लिए छोड़ा है, सिक्स्थ आपके लिए छोड़ा है, सेवन क्वेश्चन मैं करता हूं. प्रूव दैट एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, प्रूव दैट एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स वाई. ठीक है बच्चों, वी आर गिवन दैट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वन. तो ये क्वेश्चन को सेंस देने के लिए होता है, इसका यूज नहीं है, क्योंकि एक्स वाई अगर वन हो गया डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. फाइन, तो आपको इसको कंसिडर नहीं करना. देखिए गिवन इक्वेशन है, यहां पे वाई की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, तो सो हमें प्रूव करना है कि वाई डैश इसके इक्वल है. तो बच्चों डेरिवेटिव्स में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट लॉग वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही होता है ना डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का जीरो. तो बच्चों डी वाई बाई डीएक्स की टर्म्स इकट्ठी कर लो, देखिए लाइक दिस वाई इंटू वन वाई वन ओवर वाई लाइक दिस, तो दोनों में से डी वाई बाई डीएक्स कॉमन ले लेंगे ऐसे. क्लियर सबको? ऐसे आ जाएगा. ठीक है, समझ आगे सबको? तो ये क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू एलसीएम ले लो एक्स वाई और नीचे वाई, और आप डी वाई बाई डीएक्स को वाई डैश बोल सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर अगेन इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में वाई डैश. ठीक है, तो कितना आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश, तो वाई डैश कितना आ गया वाई स्क्वायर. देखिए प्रूव हो गया, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आपने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, लॉग वाई का वन ओवर वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स एक तरफ कर ली, फिर उसके बाद दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन लिया एलसीएम लिया, इसको वापस वाई डैश बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों वन माइनस एक्स वाई नीचे ले गए, तो ये वाई डैश के इक्वल आ गया. समझ आ गया सबको? तो ऐसे कोई भी सम आप कर सकते हो. देखिए हमने सेवन क्वेश्चन किया है, टोटल टेन क्वेश्चन है, तो चलिए एक और कर देते हैं. देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन. तो देखिए फिर एक्स और वाई इन टर्म्स किसी दूसरे के नहीं दिए, तो सीधा ही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. ठीक है, सेम वे से. हाँ जी, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स इकट्ठी कर लो, देखिए ऐसे तो ये टर्म राइट हैंड साइड में ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो बच्चो एलसीएम ले लो वन प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम, तो कुछ ऐसा बन जाएगा इंटू डी वाई ऑन डी एक्स. ठीक है, तो ये वन से वन कट गया, ऐसा बन गया, तो डी वाई डी एक्स को वाई डैश बोल सकते हो, तो इधर ले जाएंगे वन प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा बन जाएगा. क्लियर सबको? आई होप समझ आई सबको. अब देखिए हमने प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन,
तो देखिए ये टर्म ट्रांसपोज कर दो, ये ट्रांसपोज कर दो, ये प्लस में बन जाएगी, तो हेंस रूट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन वंस मोर। तो गिवन इक्वेशन है x plus y tan inverse y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx की टर्म्स इकट्ठी कर दी, dy by dx कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसको वापस y डैश बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों देखिए ये टर्म को ट्रांसपोज किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो 9.2 तक आपने कंप्लीट कर ली है, 9.3 आपके सिलेबस में इस साल 2020-21 में कट गई है। तो नेक्स्ट काम सारा बहुत इजी चैप्टर है, तो आपने अभी आज इनको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।